फ्रेंड्स, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सुबह जल्दी उठ करके मैंने लगाई है मशीन। फिलहाल वैसे तो मैं रोज़ सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि हमारी सोनी का ऑफिस का लेट का हैगा। देखो अभी आज सोनी वहाँ जहाँ जॉब करती थी वहाँ से छोड़ रही है, दूसरी जगह कहीं जाएगी इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी हमारी बहुत लेट आती है 15 तारीख तक, तो इसने वहाँ से छोड़ देगी। तो देखिए सोनी उठ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा, सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए मेरा जीरे का पानी हो गया है या, और यहाँ सब्जी गर्म हो रही है। रात की रोटी बंद कर दूँ इसको, और मेरे मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। सुबह से मैं कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े धुल चुके हैं, मैं जा रही हूँ इसको सुखाने के लिए बाहर। तो मेरे कपड़े यहाँ पे सारे धुल चुके हैं तो मैं जा रही हूँ इनको सुखाने के लिए। तो आज तो सोनी को भी इंटरव्यू देने जाना है कहीं पर, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 15 तारीख की सैलरी आती है बहुत लेट हो जाता है। तो यहीं जहाँ पे अभी सोनी कर रही थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल का था, तो यहाँ पे पिछले 2 महीने से तो इन्होंने सैलरी भी नहीं दी है, तो मुझे इतनी दिक्कत हो जा रही थी। तो मैंने बोला बिना सैलरी के घर कैसे चलेगा। तो इधर मेरी कुछ कमेटी निकल गई थी तो इससे मेरा बहुत सहारा हो गया था। तो अब तो मेरे पास कोई कमेटी का जुगाड़ भी नहीं है, तो मैंने इससे बोला कि तो सोनी वहाँ से जॉब छोड़ करके कहीं और देख ले, क्योंकि इस तरीके से घर नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमारी सेवा की सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सोनी को लगभग 12 से 10 तक तो मिल ही जाते हैं, लेकिन सेवा को इतने भी नहीं मिलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े निकाल लिए मशीन में से, और इसमें से मैं कुछ कपड़े छाँट ले रही हूँ, क्योंकि जो कुछ कपड़े वैसे होते हैं हम उसे बाहर नहीं सुखाते हैं, घर में सुखा देते हैं। और बाकी सारे कपड़े मैं छाँट करके लेके जा रही हूँ बाहर सुखाने के लिए। और इधर सोनी अपना सारा जो भी कुछ है तैयारी कर लेगी अपने चाय नाश्ते की, मैं कपड़े सुखा। फ्रेंड्स देखो, मैं क्या कहते हैं कपड़े सुखा करके आ गई हूँ, और मैं यहाँ पीने जा रही हूँ ग्रीन टी, मतलब ग्रीन टी नहीं है, जीरे का पानी है, और यहाँ चाय बन रही है। आज सब्जी तो है नहीं, क्योंकि मेरे जो पैसे मिले थे वो तो खर्च हो गए, दूध के पैसे दूध वाले को दे दिया, मेहंदी में की करिया जाते सीखने के लिए वहाँ दे दिया। और आज 15 तारीख हो चुकी है, अभी तक ना सोनी की और ना सिवा के भी तक दोनों में से किसी की सैलरी नहीं आई है। तो अभी सब्जी वगैरह घर में मैं खरीद के नहीं ला रही हूँ, तो जो मैंने शुरू में पैसे मुझे जो मेरे काम के जो पैसे मिले थे उससे मैंने दालें वगैरह भरवा ली थी, तो उसी से अभी मैं जो भी घर में होता है समझ में आता है बना लेते हैं। अभी ऐसा कुछ वो नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सोनी रोटी बना के चली जाती है और हम लोग जैम लगा के खा लेते हैं, कभी सौंस से खा लेते हैं, तो ऐसे ही अभी चल रहा है। देखो अभी ये सोनी वहाँ से जॉब छोड़ रही है, क्योंकि 15 तारीख बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और घर का खर्चा चल नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए सोनी वहाँ से जॉब छोड़ करके अब दूसरी जगह ट्राई करेगी, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखानी थी, तो कल मुझे बच्चों के स्कूल से ये राशन मिला है, जिसमें ऐसे ही होगा 6-7 किलो करीब चावल होंगे, और वही 6-7 किलो गेहूँ और आटा नहीं चने हैं। अभी चने इसमें वाइट वाले हैं या कौन से हैं अभी मैंने खोला नहीं है, क्योंकि अभी मेरे सिर्फ एक ही लड़की को मिला है, परी को, और अभी कृष्णा का भी मिलेगा स्कूल से। जब कृष्णा का मिलेगा तब मैं इनमें खोल करके और फिर इन्हें डब्बे में भर के रख दूँगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम खा लेंगे। वैसे ये वाले चावल बच्चे बहुत कम खाते हैं क्योंकि गीले हो जाते हैं, इसीलिए ये वाले चावल हम नहीं खाते हैं, पर जब नहीं होते घर में राशन के लिए कुछ भी तो फिर हमें यही खाना होता है, तो इसलिए मैं इनको भर के डब्बों में रख देती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर देखो हम लोग ऐसे मुरमुरे वगैरह सब भर भर के रख लेते हैं, तो बच्चे मेरे चाय के साथ कभी सूखे ऐसे ही खा लेते हैंगे। तो मैं ऐसी चीज़ें घर में ला के रखती हूँ कि जैसे घर में पेट भी भरा रहे बच्चों का, और घर में कुछ ना हो तो बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। सोनी चाय बोल के बेटा पागल हो गई है, तो छानो तो सही इसके साथ क्या है, दूध खत्म हो गया, दूध फिर लाना पड़ेगा, दूध भी खत्म हो गया। मैं 1 किलो दूध लेती हूँ, वो मेरे 2-3 दिन ही चलते हैं, मुश्किल से 3 दिन या 2 दिन चलता है ना सोनी। कल लेकर के आई थी और अभी कृष्णा दूध पी लेगा तो दूध खत्म हो जाएगा, फिर मुझे शाम को फिर दूध लाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है उधार लेना पड़ेगा दूध, क्योंकि नगद के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सोनी देखो आज शाम को सैलरी मिल जाएगी सोनी है बेटा? आज 15 तारीख हो गई, आज तो मिल जानी चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा?
अभी भी ये कह रही है कि कुछ पता नहीं है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं कैसे करूं, और मेरा इतना काम, मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे इतने काम के पैसे नहीं मिलते हैं जो मैं पूरे महीने का घर का खर्च उठा सकूँ। तो आपको मैं अपने काम पर की भी एक वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगी कि मैं वहाँ जाकर के क्या क्या काम करती हूँ। अगर आप उससे सहमत हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं क्या काम करती हूँ और मेरे काम से आप खुश हैं कि नहीं है। मैंने देखा ये जो मुझे राशन मिला है स्कूल से, ये बच्चों को हर महीने नहीं मिलता है, साल में एक बार ही मिल जाता है। तो ये राशन मेरे तब काम आ जाता है जब घर में कुछ पैसे वैसे की तंगी आती है, तो इस वक्त पे मेरे बहुत सहारा लग जाता है और बहुत काम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ग्रीन टी पीती थी, तो ग्रीन टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इधर ये जीरे का पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैं ये पहले से भी पी रही थी जीरे का पानी, तो मुझे कुछ वक्त मुझे इसमें थोड़ा सा नज़र आया था, तो मैंने अपना वेट तोला, तो मुझे 2 किलो मेरा वेट कम हो गया है। तो मैं पहले 74 किलो की थी, अब मेरा 72 हो चुका है। तो इससे जीरे के पानी से फ़र्क तो मुझे पड़ रहा है, लेकिन देखते हैं कब से कितना फ़र्क और पड़ता है। तो मैं सोनी को यहाँ पे उठा रही हूँ काफ़ी देर से कि उठ जा, उसके इंटरव्यू के लिए भी। फ्रेंड्स, देखो सोनी को लेट स्कूल ऑफिस जाना पड़ता है, ये उठती भी नहीं है, कितनी देर से उठा रही हूँ मैं इसको, और ये भी स्कूल नहीं जाता तो सोता रहता देर तक। शिवा आज हमारा मुंबई गया हुआ है, उसकी मुंबई की वीडियो शूट है, वहाँ की शादी की वीडियो शूटिंग करता है उसकी वहाँ की। कृष्णा देखो हमारा सोके उठने वाला है। कृष्णा उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, ब्रश व्रश कर ले, चल पहले जाके सुसु कर क्या खड़ा। हेलो बोलो, ऐसे हेलो बोलते हैं, ऐसे हेलो बोलते हैं, सही से बोलो। हेलो गाइस। ओहो, गिर जाएगा नीचे। ये मेरा छोटू सा है घर में, सबसे छोटा लादू छोटू, चल जाके ब्रश कर ले। और एक ये हमारी गधेड़ी सी उठ ही नहीं रही है। हेलो बोलो। 8:30 बज रहे हैं, 8:30 नहीं 9:15 बज रहे हैं, छुट्टी है क्या तेरी आज? देखना उठ ही नहीं रही है, मैं कितना उठा रही हूँ, 9:15 बज रहे हैं फिर भी रोटी नहीं बना रही है। मैं से कह रही हूँ रोटी मत बना, पराठे बना दें, पराठे बना देगी तो बच्चे जैम के साथ लगा के खा लेंगे। अचार ला के रखती हूँ, ये अचार एक दिन में ही खा जाती है, कितना भी ले आओ, मतलब ये नहीं, सुपरी भी है साथ में, दोनों बहनें मिलकर के एक पाव अचार एक हफ्ता नहीं चलने देती, मिलकर के खा जाती हैं दोनों की दोनों। उठो भाई, ये क्या हो रहा है, दिल निकल रहा है। तो हमारा कृष्णा ब्रश करके आ चुका है, और ये आ गई है मेरी चाय, ये देखिए मेरी चाय आ चुकी है। कृष्णा दीदी से अपना दूध ले ले, सोनी इसका दूध भी बना दे, फिर उसके बाद रोटी बनेगी। हो तो हमारी सोनी रोटी बनाने के लिए तैयारी कर रही है, और ये रात में सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं तो हमने कुछ पूड़ियाँ बना ली थी, तो थोड़े से आलू मंगा करके आलू की सब्जी बना ली थी, वही सब्जी भी बची थी जो मैंने आपको दिखाई है, और ये पूड़ी है, तो बच्चे इसे खा लेंगे अभी चाय के साथ इसको। सोनी तो क्या बना रही? तो रात को हमने पूड़ी सब्जी और हलवा बनाया था, तो घर में कुछ था ही नहीं कुछ बनाने के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो 2-4 आलू हमने अपने पड़ोसी से मांग लिए थे, तो इसमें हमारी रस्सी वाल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन गई थी, और साथ में सोनी ने सूजी रखी हुई थी घर में, तो मैंने बोला सोनी थोड़ा सा हलवा बना ले और पूड़ी हो जाती है, पूड़ी बना लेंगे। तो ये हमारी पूड़ी की पूरी हलवा और हमारी आलू की टमाटर वाली सब्ज़ी बना ली थी, तो ये हमारे घर में कुछ ना होते हुए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मतलब पूड़ी सब्जी बना ली थी, तो बच्चों ने अच्छे से खुशी से खा भी लिया था, और ज़्यादा कुछ खर्चे वाला वो भी नहीं था। तो कभी कभी जब घर में कुछ नहीं होता है तो इस तरीके से घर में पड़े हुए रखे हुए सामान से हम ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो अभी ये रात की रखी हुई पूड़ियाँ इस टाइम नाश्ते में काम आ जा रही है, तो इस टाइम मैं कृष्णा हम मतलब हम लोग एक एक दो दो पूड़ी सब्जियाँ मिल करके खा लेंगे। तो ये हम लोगों का नाश्ता है, सिंपल सा साधारण सा नाश्ता
हमारे हम ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई ब्रेड लाना है या कुछ भी। तो देखो ये मेरे साथ हमेशा नहीं होता है, जब कभी कभी सैलरी आती है तो घर में बहुत अच्छा सा अच्छा भी बन जाता है खाने के लिए, जब नहीं आती है तो वही है कि शुरू के दिन हमारे जब हमारी सैलरी आती है शुरू के दिन हमारे बहुत अच्छे से कट जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद जैसे जैसे ख़त्म होते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारे ये बचे हुए जो सामान रखे रहते हैं जो मैं पहले से ही भरवा लेती हूँ तो ये मुझे ऐसे टाइम पर काम आ जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल का राशन मिला है तो ये राशन मुझे ऐसे टाइम पर ही काम आते हैं, तो अभी कृष्णा का नहीं मिला तो उसका राशन मुझे मिलना है अभी। फ्रेंड्स देखिए परी आ गई है स्कूल से और ये हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये रख दे केला कृष्णा के उसके लिए दीप्ति के लिए, और मेरी बहन भाई की लड़की भी आई हुई है और ये देखिए अपने आप ही हलवा खा रही है, हलवा बनाया था रात को थोड़ा सा तो ये खा रही है, और मैं रात की सब्जी और ये प्याज और पराठे खा रहे हैं क्योंकि सब्जी ख़राब हो जाएगी इसलिए हम अभी सोच रहे हैं पहले ख़त्म कर दें, ख़राब हो जाएगी। तो मैं इससे भी यही कह रही हूँ परी तू भी खा ले ख़राब हो जाएगी फिर जा करके, तू खा क्या रही है, तुझे मना किया ना केला खाने के लिए, थोड़ा सा कर रही है, शर्म भी नहीं आ रही बच्चे का केला खा रही है। दीप्ति के पापा ये केला देके गए थे और वो खाए जा रही है, अब देखो उसका हलवा खाने लगी, वो देखो देखो पहुंच गई लड़ने के लिए, दे दे ये ले भूतनी तेरा भूत बनाएगी, जल्दी कर ले परिया खा ले जाकर के फिर नहाना है, देख आराम से खा ले सरक गई पानी दे रही से ला करके। तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए आ जाइए हमारे साथ में, है भी हलवा और है कि नहीं है, देख 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 छोड़ दे तू, दे दे उसको अपने आप खा लेगी, परेशान बहुत करती है परिया तू उसे, क्या मांग रही है ले, कौन बुला रहा है। तो फ्रेंड्स मैं खाना खा लेती हूँ आ जाइए आप भी खा लीजिए, तो मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद मैं आगे का दिखाती हूँ, काम तो आज वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि रात की सब्जी है आटा गूंदा थोड़े दो चार बर्तन है और अपना ये झाड़ू पोछा फिर उसके बाद वही दिन का रेस्ट। मैंने खाना खा लिया है और कृष्णा भी खा लिया है, परिया खा रही है खाना और ये देखो हमारी दीप्ति भी खाना खा रही है, दीप्ति क्या खा रहे हो बेटा, खा रही सब्जी, सिर्फ सब्जी खाई जा रही है वो, सब्जी और हलवा खाया है बस, हेलो कद्दू कह रहे, हेलो कद्दू हेलो हेलो कद्दू हेलो बाय बाय हेलो हेलो कर रही है हमारी दीप्ति भी, आप सब लोगों को हेलो कर रही है, जिसने पूछा तो कुछ पा तो पा। चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, गर्मी हो रही है बहुत ज़बरदस्त, कूलर चला रखा है मैंने, तो मैं पहले नहाऊंगी इसके बाद काम तो सारे हो ही जाएंगे, पहले मैं नहाऊंगी, काम करके ही नहाएंगे, काम कर लेते हैं सारा घर का जो भी बचा कुचा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिस्तर झाड़ने से। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सिवा वहाँ मुंबई पहुँच चुका है, तो मुंबई से वहाँ से भी मुझसे वीडियो कॉलिंग करके बात कर रहा है कि मम्मी मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे वहाँ का होटल का रूम दिखा रहा है सारा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ। तो ये हमारे सिवा के लिए स्नैक्स आए हुए हैं जिसमें प्याज के और पनीर के पकौड़े आए हुए हैं इसके लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तो मुंबई जा नहीं सके तो इस बहाने कम से कम मेरा बेटा मुंबई तो पहुँच गया, तो मैंने इसको छोटा ही सा था पढ़ाई तो कर नहीं रहा था तो मैंने इसे वीडियो कैमरा सीखने के लिए भेज दिया था, तो आज इसने ये कैमरा का काम सीख करके और आज मुझे ऐसा लगता है कि चलो पढ़ाई नहीं करी पर कहीं पे पहुंच तो गया, तो आज ये बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना इसका शुरू हो चुका है, तो हम देखते हैं कब तक धीरे धीरे ये कामयाबी छू लेता है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा खूब तरक्की करे खूब नाम कमाए, बस ये पढ़ा नहीं है 9th तक ही पढ़ा है, ज़्यादा इसने पढ़ाई करी नहीं, कह रहा मेरे दिमाग में पढ़ाई घुसती नहीं है, मैंने इसे बहुत बार बोला, अभी भी मैं बोलती हूँ बेटा ओपन से 10th कर ले पर ये सुनता ही नहीं है, कहता है मम्मी मेरे को पढ़ाई मेरे दिमाग में घुसती नहीं है, लेकिन हाँ कैमरे का काम बहुत मन लगा के दिल लगा के करता है,
तो इसने मुझे वहाँ का सारा व्यू दिखा रहा था, मैं वहाँ के मुंबई का, मुझे बाहर का भी दिखा रहा था। तो मैं वहाँ का बाहर का व्यू, मैंने अब चलो हम तो मुंबई जा नहीं सकते हैं, तो ये मुझे वहाँ का दिखा रहा है। तो मैं देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो वहाँ का माहौल बहुत, अब मैं ज़्यादा मुझे इतनी खिड़की से इतना तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख करके लगता है, फिल्मों में देख तो वैसे देख ही लेते हैं। तो इसमें भी अच्छा है वहाँ का माहौल। बाकी तो जो वहाँ रहते हैं वहाँ के लोग, उन्हीं को ज़्यादा पता होगा समुद्र के बारे में, बहुत सुना है वहाँ के। तो मैंने सब बोला था कि तुम वहाँ का समुद्र मुद्र घूम के आई हो और समुद्र की भी वीडियो बना के लेकर के आई हो। तो साथ में ये दीप्ति से बातें कर रहा है, तो दीप्ति को दिखा रहा है डांटने के लिए। तो ये देखिए दीप्ति से किस तरीके से बातें कर रही है। तो ये अपना यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, वहाँ सब पहुँच चुके हैं इसके दोस्त वगैरह सब। तो मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, भगवान मेरे बच्चे को बहुत तरक्की दे, खूब कामयाबी दे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स, और आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो इसी तरीके से मैं सही बना रही हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे वीडियो में क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। बस मेरा जो दिल में आता है मैं बनाती चले जा रही हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे तो मैंने सर्च करा तो हर बार मेरा आ जाता है, पर जब मैंने गूगल पे सर्च करती हूँ तो मेरा है नहीं आता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपने चैनल को और भी ग्रो करूँ और भी अच्छा बनाऊँ।